जी तो ये गाड़ी बन चुकी है, आप देखोगे। अभी मैंने रिसेंट में डाला था, 5-6 दिन पहले ही वीडियो इसका डाला था, एक्सीडेंटल थी। अभी ये बन चुकी है। और हाँ, इसी से जुड़ी मैं एक चीज़ बोलता हूँ, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे या फिर किन्हीं और चीज़ों में कि सस्ता काम सस्ता काम सस्ता काम। मैं इसको भी दिखाऊंगा कि ये मेरी भी गाड़ी डेंट पेंट हुई है, पर इसका क्या रिस्पॉन्स था और इसका क्या रिस्पॉन्स है। सस्ता काम काम चलाने के लिए होता है, जो कि इस गाड़ी में हुआ है, और चाहते भी थे कि काम चल जाए, तो उसी के बारे में बताएंगे। ये आपको प्रीवियस वीडियो में देखा होगा आपने, नहीं तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके यहाँ पे भी देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन पे भी मैं डाल दूंगा। तो इसका पूरा ये दब गया था, जिससे कांच वो टूट गया था, तो कांच अपन सेकंड हैंड मंगवा लिए थे। इसका ओरिजिनल 2800 के आसपास, तो अपन ने सेकंड हैंड में 1000 रुपये का मिल गया। इसमें स्क्रेचेस बहुत ज़्यादा है, पर क्या करें, अभी आपको भी मालूम है कोरोना का टाइम, लॉकडाउन का टाइम, ये एक्चुअल में स्कूल में चलती थी, तो अब 2 साल से स्कूल बंद है। अब भाई दूसरा चारा भी नहीं था। सस्ते काम आपको ऑन द स्पॉट खुशी दे सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, और महंगा काम ऑन द स्पॉट आपको थोड़ा सा दुख देंगे, पर बाद के लिए आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट करते हैं। तो चलिए आपको छोटी छोटी चीजें दिखाता हूँ। अभी मैं बताता हूँ इसमें कितना लगा है, डेंट और पेंट मिला के इसमें करीब 3000 लगा है इसका, डेंट और पेंट का, जिसमें से 1500 डेंट का लगा है और 1500 ही पेंट का लगा है। उसके बाद 1000 रुपये इसकी फिटिंग के लिए और वायरिंग के लिए लिए है, वो जो कि फालतू में लिए हैं, वो किसी का मतलब का नहीं है। इसका जो भी सेटिंग है वो मैंने सही किया है, चाहे वो इसकी सेटिंग हो, चाहे वो आपकी इनकी सेटिंग हो। ये पूरा नहीं खुलते थे, आधे अधूरे खुलते थे, ब्लोवर नहीं चल रहा था, ब्लोवर को मैंने किया। अभी इसका एक रिले जल गया है स्टार्टिंग वाला, तो मैं डायरेक्ट जलाता हूँ। इसमें तार यहीं पे पड़ा होगा कहीं पे, हाथ में आपको दिख रहा होगा यही वाला तार, तो इससे मैं बाईपास कर देता हूँ। इसकी रिले ख़राब हो गई है और जो फ्यूल की रिले है वो भी हीट हो रही है, फिर भी मैंने बना दिया है। देखो आप कितना गैप है, एक्चुअल में इतना गैप नहीं होना चाहिए। ये देखो आप, ये बिल्कुल चिपका होना चाहिए, ये चिपका नहीं है। उसके बाद से बहुत सारी दिक्कतें हैं, सच में बताऊं। अभी आप साइड से देखोगे, पता नहीं ये कैमरा डिटेक्ट कर तो रहा है, मेरे ख्याल से ये कलर अलग है और वो कलर अलग आपको दिख रहा है। पैनल में बता दूं, पैनल यहाँ से लेके नीचे तक का पूरा ये सब कुछ लगा है। ये बम्पर दब गया था, तो इसके कारण इसकी फिटिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है, तो वो हम थोड़ा सा ऊपर नीचे दे सकते हैं। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसी डेंटिंग पेंटिंग है, ये देखो डेंटिंग, ये ऐसी डेंटिंग है, ये देखो ना, आप साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे खूमा। उसके बाद आप ये देखो, ये देख रहे हो, ये पेंट हुआ है इस टाइप से, ये देखो, और ये देखो, और साइड से मैं आपको दिखाना कोशिश करूंगा, आपको रबारियां समझ में आएंगी। आप ये लाइनिंग देखोगे ना, ये देखो ना, प्रॉपर लाइनिंग नहीं है, प्रॉपर नहीं। ये आ गई, सोच रही है कि रोटी वोटी दे रहे हैं, नहीं 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 है, कुछ भी नहीं। तो ये लाइनिंग आप देखोगे ना, तो ये प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा गहरा है, यहाँ पे उठा हुआ है। ये सेम थिंग आप नीचे देखोगे तो इस पे भी यही लाइनिंग है, देखोगे आप ध्यान से, और ये भी ऊपर नीचे है, आपको समझ में नहीं आता होगा, साफ साफ समझ में आ रहा है। तो यही है, तो मैं यही कहूँगा कि आपको जब भी करवाना हो ना, तो थोड़ा सा रुक जाएं, फिर उसी के बाद करवाएं थोड़ा सा ज़्यादा। अब ये क्या है ना कि एक्चुअल में उसके बिना चल ही नहीं पाती, और उस टाइम पे बजट भी उनका नहीं था, तो ठीक है बनवा लिए तो बनवा लिए। अब इसी पर सेकंड हैंड पे आते हैं। अब यही सेकंड हैंड में गाड़ी, मान लीजिए आपने, चूंकि एक्सीडेंटल है तो आप 10-20 हज़ार कम कराओगे, इसी एक्सीडेंट का आप सोचोगे कि मेरे को 50 हज़ार 60 हज़ार कम मिल जाए, तो वो भाई साहब पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, इस कंडीशन में अगर आप 50-20-30 हज़ार के लिए ऐसी गाड़ी छोड़ देंगे ना, तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ साहब सेकंड हैंड में कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी, क्या मालूम उसकी कंडीशन अच्छी हो, आप एक्सीडेंटल देख के भाग जाओ। पलटी उल्टी नहीं होनी चाहिए, जैसे आपका ये रूफ हो गया ना, रूफ देखिए बिल्कुल क्लियर है, ये पिलर आपकी क्लियर है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोटर इसका जला दिया है भाई साहब ने, और ये देखो पेंट की क्वालिटी आप देखो, ये देखो आफ्टरऑल फिटिंग ठीक ठाक है, देखो आप। तो देखिए सस्ता, अब यहीं पे इसी पेंट का अगर अच्छा ऑथराइज्ड, मतलब अच्छा पेंटर या डेंटर होता, तो
तो वो क्या है कि वो कम से कम इसका मिनिमम 10,000 तो इसका लेता है। तो वही होता है, देखिए लोग ले जाके दूसरे पेंटर को, अच्छे वाले पेंटर को देते हैं और बोलते हैं कि यार पिछले वाले ने ऐसा काम किया वैसा काम किया। देखिए आपने उसको पैसे भी कम दिए थे इसलिए उसने ऐसा काम किया, भाई उनके पास बजट नहीं था इतना काम करा दिया, भाई कितना हो सकता है। आपको पेंट भले वो हो रहा हो, फिलहाल उनका काम तो चलेगा ना, सस्ते में काम कराएंगे फिर दूसरे पेंटर पे ले जाएंगे, बोलेंगे कि अरे यार वो ऐसा वैसा है। जहाँ पे सस्ता वाला 10,000 लेता है, अच्छा वाला 15,000, 20,000, 30,000, 30,000 ले लेते हैं। तो भाई साहब क्वालिटी पे अंतर कीजिए, अच्छे वाले पेंटर कभी अच्छे के पास नहीं ले जाएंगे, गंदे वाले ही पेंटर अच्छे के पास। गंदे क्या, क्वालिटी जब लो होती है, तो क्वालिटी जब लो होती है तो पैसे भी। जैसे इसमें 5,000 लगा, अभी यहाँ पे मेरे में आप पैनल देखोगे, यहाँ पे ये पैनल ये दबा हुआ था, पर आपको कहीं से भी आपको समझ में नहीं आएगा कि नहीं ये अलग से लगा हुआ है। उस यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसके पैसे भी लगे हैं साहब। इसका मैंने 35,000 दिया था पेंट का, सिर्फ पेंट, पेंट का, डेंट का तो आप बोलो ही मत, डेंट का तो और ज्यादा लगता है। मेरी गाड़ी पूरी की पूरी पेंट है, पूरी पेंट है, देखो बम्पर देखो, कहीं से आपको लग रहा है कि कंपनी का नहीं है? तो ये महंगी चीजों का, ये देखिए ये पूरा पेंट है, कहीं से भी आपको लगे कि नहीं अच्छा नहीं हुआ है, कहीं से भी पूरी गाड़ी पेंटेड है, आपको समझ में भी आ जाएगा ना। ये देखो जंग लग गए कहीं कहीं पे, जंग लग गए, पर डेंटिंग और पेंटिंग का काम, यहाँ पे भी ये डेंट का काम हुआ है हल्का फुल्का, पर आपको कर्व में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। ये देखो प्रॉपर स्मूथ इसका काम हुआ है, मेरे को मालूम है। देखो ना आप ये गैपिंग देखो, इससे पता चलता है पिछले वाले मेरे ड्राइवर ने खूब बहस की। तो अब पूरा पेपर में था, इमरजेंसी में कराया था, तो साहब ब्लेम मत कीजिए करिए, जब आप सस्ता काम कराएंगे तो आपको सस्ता ही काम मिलेगा, जब आप अच्छा काम कराओगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। कितना लगाया है, 4,000, 1,000 का कांच, 5,000 रुपये लिए हैं, रिले का 150-200 रुपये लगेगा, तो हो गया बस यही है। बाकी गाड़ी बन गई है, इसका मेन पिलर सपोर्टिंग बार होता है जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ध्यान से देखोगे, ये वहाँ अंत में जाके थोड़ा सा दिक्कत हो गई। और हाँ ये चूंकि प्लास्टिक है ना, तो प्लास्टिक में थोड़ा सा टूट गया है, तो हो गया वो अपन बना लेंगे, वो देखिए वहाँ पे टूटा हो गया, उसका काम हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे अंकल की गाड़ी में जो मैं ईसीयू सही कर रहा हूँ जिस गाड़ी का, उसमें पीछे की तरफ लगा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा ओरिजिनल पेंट है कौन सा पुराना, और मालूम कितना लगा हुआ था, सिर्फ अपनी बैक लाइट का जो होता है पोर्शन वही बस दबा था, उतने सिर्फ पोर्शन के लिए उस बंदे ने चार्ज किया था 15,000 रुपये, उसका काम दिख रहा था। लोकल में लाते 1-1.5 हज़ार में हो जाता, पर तो वो क्वालिटी नहीं रहती, इसीलिए पैसा बोलता है। तो दूसरे के मत जाइए कि अरे वो ऐसा नहीं किया, आपने पैसे भी कम दिए होंगे, रेयरली है कि अच्छा काम करने वाला आपको खराब काम दे, बहुत रेयर होता है, ऐसा होता नहीं। अब जो जिस ढंग से काम करता है उस ढंग से वो पैसे भी लेता है, ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सट्रीम ले लेगा, ऐसे नहीं होता, समझिए बात। तो जब आपका बजट अच्छा हो, जैसे इसमें मजबूरी थी कि इसको इस गाड़ी का काम करवाना पड़ा, नहीं कलर की क्वालिटी अच्छी है, कलर की क्वालिटी अच्छी है, डेंट और पुट्टी उस अच्छे से नहीं कर पाए बंदा, पर कलर की क्वालिटी मेरे को अच्छी लगी है। अभी इसमें ले जाएंगे तो रबरिंग वबरिंग भी कराएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। पर वो बजट पे निर्भर है।